आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन व्हिच एबी इक्वल्स टू एसी। इफ ई एंड एफ बी द मिड पॉइंट्स ऑफ एसी एंड एबी रेस्पेक्टिवली देन व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए, सबसे पहले तो ये ट्रायंगल जो एबीसी आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस का मतलब होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं। तो क्योंकि देखिए एबी इक्वल्स टू एसी है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एबी के अपोजिट हो गया एंगल सी और एसी के अपोजिट हो गया एंगल बी। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अब नेक्स्ट थिंग हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ई और एफ मिड पॉइंट्स हैं। तो अगर ई और एफ, हियर वी हैव गिवन कि ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, ठीक है, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए सी एंड ए बी। तो जब ये मिड पॉइंट्स हैं तो इट मीन्स कंडीशन क्या बन जाएगी कि ए एफ है ना इज इक्वल टू एफ बी, और नीचे वाली साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। मीन्स आप लिख सकते हैं ए ई इज इक्वल टू ई सी, ये भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें अगर हम देखिए पहला कॉन्सेप्ट, पहला टर्म क्या है हमारा बी ई, बी ई विल बी इक्वल टू सी एफ। दूसरा है बी एफ इक्वल टू सी ई। देखिए बी ई, ये बी एफ इक्वल टू सी ई तो होगा ही होगा बिकॉज क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो एक चीज तो क्लियर है कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को, ट्राइंगल ए एफ सी और ट्राइंगल ए ई बी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो एंगल्स होंगे ये वाले, मतलब इन दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। ए एफ सी नहीं लेंगे, बी एफ सी, क्योंकि क्वेश्चन के सेकेंड ऑप्शन में ये वाले ट्राइंगल्स लिए गए हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, और बी ई, बी ई तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो बी ई और सी एफ भी इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम एक एक करके करते हैं। सबसे पहले देखिए हमें गिवन है कि ए बी इक्वल्स टू कितना है बी सी। जब ए बी बी सी के इक्वल है, ए बी को आप स्प्लिट कर लीजिए, ए बी को जब हम स्प्लिट करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए एफ प्लस एफ बी एल एच एस में, आर एच एस में क्या हो जाएगा ए ई प्लस ई सी। अब आप देखिए ए एफ बराबर एफ बी है और ए ई बराबर ई सी है। इट मीन्स फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन राइट कि टू ऑफ ए एफ, ठीक है, टू ऑफ ए एफ इक्वल हो जाएगा टू ऑफ ए ई के। टू से टू कैंसिल आउट कर दीजिए तो ए एफ बराबर ए ई के प्रूफ हो जाएगा। जब ए एफ ए ई के इक्वल हो गया, ए एफ ए ई के, एफ बी ई सी के इक्वल हो जाएगा। सो वी कैन से कि एफ बी इज इक्वल टू ई सी। इससे ये प्रूफ होता है कि चारों एक दूसरे के इक्वल हो गए, मतलब फाइनली इससे ये कंक्लूजन निकला कि ए एफ बराबर तो एफ बी होगा, ये इक्वल्स हो जाएगा ए ई के और ये इक्वल्स हो जाएगा ई सी के। इसको हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं। अब जब ये हो गए दोनों, अब हम ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं। तो इन ट्राइंगल, ये नीचे वाली ले रहे हैं बी सी एफ में एंड ट्राइंगल सी बी ई में, इन दोनों ट्राइंगल में देखिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है। पहली हमें मिल रही है बी सी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि ये कॉमन हो गया दोनों में, ठीक है, कॉमन। सेकेंड थिंग, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या आ रही है हमारी, बी एफ इक्वल टू ई सी के, ठीक है, ये क्यों है, बी एफ ई सी के क्यों इक्वल है, अभी अभी हमने प्रूव किया सारे साइड्स इक्वल्स है, तो बी एफ इज इक्वल टू ई सी के। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये हो गया, तो बाय एस एस कंडीशन, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन, यू कैन सी ट्राइंगल बी सी एफ ये कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल सी बी ई के। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन था वो भी करेक्ट हो गया। फर्स्ट ऑप्शन क्या था, बाय सी पी सी टी, यू कैन से बाय सी पी सी टी हम कह सकते हैं कि बी ई इज इक्वल टू सी एफ के। और सेकेंड थिंग, ये भी बाय सी पी सी टी हम कह सकते हैं कि एंगल जो हमसे ऑप्शन नंबर टू में गिवन है, बी एफ सी इक्वल्स हो जाएंगे एंगल सी ई बी के, क्योंकि हमें पता है जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो बाय सी पी सी टी कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल उसके बचे हुए पोर्शन या पार्ट भी इक्वल हो जाते हैं। सो इस बेस पे अगर हम देखे जाए तो हमारे सारे ही ऑप्शन करेक्ट हो गए, ऑप्शन वन भी प्रूफ हो गया, ऑप्शन टू भी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन फोर, ऑल ऑफ दिस, दिस इज द आंसर। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।